राजस्थान में अब दिल और दल मिलाने का काम तेज हो गया है। ऐसे में रोज सभी दलों में नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जा रही है। अब संकट उनके सामने खड़ा हो गया है जो दूसरे दल से चुनाव जीत कर विधायक बने और उनका दल अब उन्हें निकाल चुका है। इस मामले में बसपा के 6 पूर्व विधायकों पर सबकी नजर है क्योंकि उन्हें टिकट देने की स्थिति में न तो कांग्रेस है और न ही भाजपा उन्हें रिपीट करने की बात कह रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये 6 विधायक किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि जो विधायक कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं उन्हें अवसर दिए जाएंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि उन्हें 6 विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, इससे हमारे वोटर्स को परेशानी होती है। इस मामले को लेकर भरतपुर नगर विधायक वाजिब अली, जिन्होंने साल 2018 में भाजपा से चुनाव जीता है, उनका कहना है कि इस सीट पर कांग्रेस पिछले कई चुनावों में तीसरे और चौथे नंबर पर रही है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि कांग्रेस टिकट देगी। भाजपा से फिर से टिकट मांगने की बात पर उन्होंने कहा कि वो भाजपा से टिकट नहीं मांग रहे हैं। जानकारों की माने तो नगर सीट पर कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में वाजिब ने अपना काम और दावा दोनों कांग्रेस से ठोक कर रखा है। दूसरी तरफ राजस्थान भाजपा के चीफ भगवान सिंह बाबा का कहना है कि इस बार माफी नहीं चलेगी। साल 2008 में भाजपा से चुनाव जीत कर विधायक कांग्रेस में चले गए और साल 2013 में भी कांग्रेस से चुनाव भी लड़ लिए, उन्हें हार मिली, तब वो फिर से 2018 में भाजपा में लौट आए। लेकिन अब माफी मांगने पर टिकट दिया जाएगा, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि भाजपा का वोटर इस तरह के घटनाक्रम से दुखी हो जाता है। बार बार दल बदलकर भाजपा के विधायकों के आगे इस बार के चुनावों में परेशानी खड़ी हो गई है। वो न तो कांग्रेस के रहे और न ही भाजपा के। अब देखना होगा कि बार बार दल बदलू इन विधायकों को कौन टिकट देता है। लोकवार्ता न्यूज जयपुर।